हेलो 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 नहीं है। मेरे वीर जवानों, यह आवाज है शहंशाह पंकज मिश्रा की प्लेटफॉर्म की सरजमी से। हम लेट नहीं थे मेरे जवान, पता नहीं इनके कुछ कंप्यूटर में हो गया था। खैर कोई बात नहीं, जितना पढ़ाना है हम उतना ही पढ़ाएंगे और हम भूल जाएंगे। कहना यह चाहते हैं, इतिहास का संपूर्ण मटेरियल इन्हें हम दे दिए और ये हमें बोल रहे हैं कि हम अपलोड कर दिए हैं। और जो मटेरियल हम दिलवाए हैं वो सबसे बेहतरीन मटेरियल है और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भागेगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भागेगा। वो मटेरियल जब आपके हाथ आता है, आप पढ़कर किसी भी एग्जाम का एक कोई सेट बनाकर देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। लाजवाब बेहतरीन है। इस मटेरियल के कहावत चलती है, ये मटेरियल्स का यूज लोग पटना से लेकर दिल्ली तक मेरा करते हैं। और मटेरियल के कहावत है, अगर इस मटेरियल से क्वेश्चन भाग गया तो समझिए ये क्वेश्चन पूरे सेंटर से भाग गया। हाँ, दूसरा चीज, इस चीज को भी याद रखेंगे आप, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम डाटा डाल रहे हैं, जो हम फैक्ट डाल रहे हैं, उसमें आप बदलाव मत कीजिएगा। बहुत ऐसा होता है कि लुसेंट में ये दिया है, इस बुक में ये दिया है, ये सर ये पढ़ाए हैं, कोई क्या पढ़ाए, क्या कहाँ लिखा हुआ है वो मायने नहीं रखता। जो मेटेरियल में और जो हम बोल रहे हैं वही मायने रखता है, उसमें चेंज नहीं कीजिएगा। अगर चेंज आप कर देंगे हो सकता है जिंदगी ड्रॉप कर जाए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको याद हो तो आप हमें लिखें इस पर, अंतिम लाइन हम क्या पढ़ाए थे, अंतिम लाइन क्या पढ़ाए थे वो लिख कर हमें बताएं। उत्तम जी या हर्षपाल जी, अंतिम लाइन क्या पढ़ाए थे वह जरा हमें लिख कर बता दें। स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अंतिम लाइन या अंतिम वर्ड कुछ भी डालें जो हमें याद आ जाएगा कहां तक थे। अच्छा, हड़प्पा कहाँ पढ़ाते हैं? ठीक है, आज हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो लाइए, तो मटेरियल साथ दिखा देते हैं इन लोगों को, यहां से दिखा देते हैं। देखिए, अगर आप हमें देख रहे हैं तो इस मटेरियल्स को देखें। इस मटेरियल को पढ़ाने में हमको लगता है करीब करीब 10 महीना लगता है, और ये 10 महीना जो लगता है ना, पक्का 1 घंटा क्लास 10 महीना तक लेने पर, अब्सेंट क्लास करने पर नहीं, लगातार 10 महीना लेने पर इतना मटेरियल्स पढ़ाए जाते हैं शहंशाह पंकज मिश्रा के द्वारा। देखिए यहाँ पर इतना है, आप इतना मोटा मटेरियल को देखकर आप घबराइएगा नहीं, उस सब हम याद कराना मेरा काम है। दूसरा चीज ये रहेगा कि डेली हम जितना पढ़ाए हैं डेली पूछताछ करने का भी हम काम करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा।
आप बता दीजिए आकर, दीपक जी आकर आप तो बता दीजिए, वेबसाइट की ज्ञान हमें नहीं है। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, आपका जो भी नोट्स है लाइव क्लासेस का वो हमारे वेबसाइट पे ये आपका स्टडी मटेरियल एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप जाएंगे और वहां जाकर के आप अपने नोट्स को अपलोड कर लेंगे। देखे और कर ले, कर ही लीजिएगा, ऐसा ना हो कि दूसरा अपलोड कर ले और आप पीछे रह जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है जिसका घर रेलवे स्टेशन के बगल में होते हैं उन्हीं की गाड़ियां छूटा करती हैं। हाँ, लेकिन यह भी एक कहावत है, तालाब के किनारे रहने वाला इंसान प्यासा नहीं मरता, राजा के करीब रहने वाला इंसान गरीब नहीं होता, सहनशाह से इतिहास पढ़ने वाला जवान कभी बेरोजगार नहीं रहता। ये हम बोल नहीं रहे हैं, दुनिया कहती है। तो शुरू करते हैं हड़प्पा, हड़प्पा। हाँ, मोहनजोदड़ो की बात न करेंगे। हाँ, मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा गया क्योंकि मोहनजोदड़ो से मानव नरकंकाल के ढेर ही ढेर प्राप्त हुए हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकलिस्तान के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पहले मोहनजोदड़ो काफी हरा भरा जगह था, इसलिए मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मानी जाती है। अन्नागार उसे कहा गया जहां पर अनाज रखा जाए, अनाज के रखे जाने वाले स्थान को अन्नागार कहा गया। इस अन्नागार को देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता काल में आपातकालीन स्थिति में राज की ओर से जनता को आर्थिक सहायता दी जाती थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक तालाब प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक तालाब प्राप्त हुई है जिसे नाम दिया गया स्नानागार। इस स्नानागार को देखकर ऐसा लगता है विभिन्न प्रकार के पावन या पवित्र अवसर पर लोग यहाँ स्नान करते होंगे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से विशाल सभा भवन प्राप्त हुए हैं। ये विशाल सभा भवन 20 स्तंभों के सहारे खड़ा है। इस विशाल सभा भवन को देखकर लगता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार का मीटिंग या समारोह होता होगा। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कांसे की बनी हुई एक नृत्यांगना प्राप्त हुई है। कांसे की बनी हुई इस नृत्यांगना को देखकर ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल के लोग मनोरंजन पर भी ध्यान देते थे और मनोरंजन पर सबसे अधिक ध्यान नृत्य एवं संगीत पर देते थे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। इस सूती कपड़े के टुकड़ा को देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता काल में सूती वस्त्र एक व्यवसाय के रूप में प्रचलन में थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक कुबरदार बैल मिला है। यह कुबरदार बैल तांबे की सहायता से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक घर से कुएं के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा और एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो आसन के नीचे दो हिरण का चित्र बना हुआ है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति को देखकर ही ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल के लोग, हाँ हेलो, हाँ हाँ सत्य बाबू बोले, हाँ हाँ बोलिए, आर वेरी गुड, कैसा गया? अच्छा एकदम फाइनल, अच्छा हाँ
अच्छा हाँ भाई, ठीक है, मेरा आशीर्वाद है और हाँ फाइनल होगा, अभी हम ऑनलाइन में हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो वहीं पर हम क्या देखते क्या है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा चित्र बना हुआ है। तो आसन के नीचे दो हिरण का चित्र बना हुआ है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति को ही देखकर ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। ये पशुपति महादेव की मूर्ति पूरी तरह से योग की मुद्रा में बैठी हुई है। तो हम कह सकते हैं भारत की धरती संसार की पहली धरती है जिसने पूरे दुनिया को योग से परिचित कराया, जिसने सारी दुनिया से दुनिया को योग से परिचित की कराया। इस प्रकार योग का प्रारंभ भारत की धरती से हुई थी। एक बार हो जाए पूछ ले हम, ये बताएं मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? देखिए याद पढ़िए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का, मृतकों का, मृतकों का टीला। वेरी गुड वेरी गुड। ये नए कौन है? सौरभ। अरे वाह वाह, टोटल जवाब सही आ रहा है। काश आपकी मुस्कुराहट का हम एहसास कर पाते हैं और हम आपको देख पाते हैं। ये बताएं कि मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? वेरी गुड, पाकिस्तान सही आंसर है। यह बताएं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? देखिए याद पाड़िए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मानी जाती है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर ऑप्शन में अन्नागार नहीं रहेगा तब इसका आंसर स्नानागार होगा, याद रहना चाहिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मानी जाती है, यहां कहीं कोई डाउट नहीं। ऑप्शन में अन्नागार नहीं रहेगा तब इसका आंसर होगा स्नानागार। ये बताएं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो तला मिली है विद्वानों ने उसे क्या नाम दिया है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो तला मिली है उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो तला मिली है उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया है? उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया है? हाँ, उसे नाम दिया है गया है, सही आंसर है स्नानागार। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो नृत्यांगना प्राप्त हुई है वह नृत्यांगना किस धातु की बनी हुई है? जिस तरह से हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो नृत्यांगना मिली है वह किस धातु की बनी हुई है? याद पाड़िए, देखिए यहां पर क्या है, क्या होगा? कांस, यानी कांसे की बनी हुई, सही आंसर है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से किस कपड़े का टुकड़ा मिला है? आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से किस कपड़े का टुकड़ा मिला है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से किस कपड़े का टुकड़ा मिला है? सही आंसर है सूती। यह हमें बताएं कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो
तो आसन के नीचे कितने हिरण के चित्र बने हुए हैं? सोच कर जवाब देंगे। फिर एक बार रिपीट करते हैं, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, इसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा चित्र बना हुआ है, तो आसन के नीचे कितने हिरण का चित्र बने हुए हैं? वेरी गुड आंसर, तो 100% जवाब मिल गया। हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, देखें चंद हुदरो, चंद हुदरो, चंद हुदरो। अब देखें आगे बढ़ते हैं, हम रिलैक्स हो जाएं, ब्रेन में एकदम ब्रेन को शांत रखें आप। मोहनजोदड़ो वर्तमान, हाँ चंदहुदरो, चंदहुदरो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चंदहुदरो का उत्खनन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। चंदहुदरो के उत्खनन से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। इस लिपस्टिक को देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता काल में लिपस्टिक का प्रयोग समान तौर पर सौंदर्य प्रसाधन के रूप में महिलाएं ही किया करती थी। चंदहुदरो के उत्खनन से गुड़िया निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। गुड़िया निर्माण करने के कारखाने को देखकर ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल में गुड़िया का निर्माण करना एक व्यवसाय के रूप में प्रचलन में थी। यह भी कहा जा सकता है उस समय बच्चे के मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़िया बच्चे के खेलने की चीज होती है। गुड़िया के निर्माण करने के कारखाना को ही हम मन का निर्माण करने के कारखाना के नाम से भी जानते हैं। चंदहुदरो के उत्खनन से एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पद चिन्ह हम पांव के निशान को कहते हैं। एक बार हो जाए, चंदहुदरो किस देश में स्थित है? चंदहुदरो किस देश में स्थित है? चंदहुदरो किस देश में स्थित है? याद पारिए, चंदहुदरो किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर आपने दिया वह है पाकिस्तान। याद रखना है चंदहुदरो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदहुदरो के उत्खनन से महिला का सौंदर्य प्रसाधन के रूप में क्या मिला है? चंदहुदरो के उत्खनन से महिला के सौंदर्य प्रसाधन के रूप में क्या मिला है? क्या मिला है? याद कहा, वेरी गुड, सही आंसर है सौरभ शर्मा, आज तो आप लीड कर रहे हैं। सही आंसर है लिपस्टिक। चंदहुदरो के उत्खनन से क्या निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? आगे का प्रश्न है, चंदहुदरो के उत्खनन से क्या निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? याद पा रहे हैं? क्या निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? याद पा रहे हैं? गुड़िया। चंदहुदरो के उत्खनन से एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पद चिन्ह किसको कहते हैं? यहां पा रहे हैं? याद पा रहे हैं? चंदहुदरो के उत्खनन से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। पदचिन्ह किसको कहते हैं? पैर के निशान को, यानी पांव के निशान को, सही आंसर है। अब देखें यहां पर लोथल, देखें लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का उत्खनन कार्य 1957 से 1958 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। जब हम
सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना का अवलोकन करते हैं, जब हम सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिले हैं, यानी आगे की ओर खुलने के प्रमाण मिले हैं। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था, इसे हम नगर पतन के नाम से भी जानते हैं। लोथल से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है जो स्त्री एवं पुरुष की है। लोथल से गोदी के प्रमाण मिले हैं। गोदी उसे कहा गया, गोदी कहा गया नाव के रुकने वाले स्थान को, नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया जो पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई है। लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, इससे यह लगता है लोथल की धरती पर धान की खेती होती थी। लोथल से एक चित्र प्राप्त हुई है, उस चित्र में एक वृक्ष के टहनी पर पक्षी बैठी हुई है तो वहीं वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी खड़ा है। यह चित्र चलाक लोमड़ी की कथा से मेल खाता है। हो जाए, लोथल वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? लोथल वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? याद पा रहे हैं? देखिए, याद पा रहे हैं? लोथल वर्तमान समय भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, इसका सही आंसर है गुजरात। यह बताएं, सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, जबकि लोथल से घर के दरवाजे किधर खुलने के प्रमाण मिलते हैं? सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे तो वहीं लोथल से घर के दरवाजे किधर खुलते थे? याद पा रहे हैं? देखिए, सड़क की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आप जो आंसर दे रहे हैं, ये चीख चीख कर रही है, सफलता दो कदम पर है, आगे बढ़े दो कदम पर है मंजिल। यह हमें बताएं कि लोथल से किस देश के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं? लोथल से किस देश के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं? लोथल से किस देश के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं? इसका देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां दिखाई दे। लोथल से किस देश के माप तौल पैमाने प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है फारस। लेकिन ईरान को पहले क्या कहा जाता था? ईरान को पहले क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था। यह बताएं कि लोथल से गोदी के प्रमाण मिले हैं। गोदी किस तरह के ईंट की सहायता से बनी हुई है? नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया और गोदी किस तरह के ईंट की सहायता से बनी हुई है? गोदी किस तरह के ईंट की सहायता से बनी हुई है? नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया और गोदी किस तरह की ईंट की सहायता से बनी हुई है? आज इसका सही आंसर है पकी हुई ईंट की सहायता से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है। यह युग्मित समाधि किनका है? स्त्री एवं, सिर्फ एक लिखना है, लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है स्त्री एवं।
लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, युग्मित समाधि उसे कहा गया जब साथ साथ अपनाया जाए। स्त्री एवं लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है स्त्री एवं पुरुष की। इसका सही आंसर है स्त्री एवं पुरुष की। यह हमें बताएं लोथल से किस फसल के प्रमाण मिले हैं, याद पा रहे हैं? लोथल से किस फसल के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर बताइए आप, लोथल से किस फसल के प्रमाण मिले हैं? लोथल से किस फसल के प्रमाण मिले हैं? यानी चावल। आगे बढ़ जाए, कालीबंगा। कालीबंगा, आगे बढ़ते हैं हम। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो महिलाएं चूड़ी पहनती है ना। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंट उसे कहा गया है जिस ईंट को सजाया गया हो, जिस ईंट को सजाया गया है और जिस ईंट को नक्काशीदार किया गया हो। इस प्रकार कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। ये बताएं कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। सही आंसर। कालीबंगा वर्तमान समय भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा वर्तमान समय भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा वर्तमान समय भारत के किस राज्य में स्थित है? याद पा रहे हैं? याद आ गया? इसका सही आंसर है राजस्थान। यह हमें बताएं कि कालीबंगा से किसके सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से किसके सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? याद पा रहे हैं? हाँ, कालीबंगा से किसके सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से किसके सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? हल की सहायता से। कालीबंगा से किस तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से किस तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से किस तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं? याद पा रहे हैं? अलंग, याद पा रहे? तो नक्काशीदार, इसी को ही अलंकृत ईंट कहते हैं। जिस ईंट को सजाया गया हो, जिस पर सुंदर बनाया गया हो। हाँ। अब देखिए, एक बार हम शुरू से पूछ लेते हैं आपको। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, क्या उसे पढ़ा गया है? सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, क्या उसे पढ़ा गया है? क्या पढ़ा गया है? नहीं। अच्छा, ये बताएं सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी?
सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, लिपि मतलब लिखने का तरीका, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, वेरी गुड। सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, याद पारिए हड़प्पा की सभ्यता, देख सब पूरा जवाब। यह बताएं कि हम ये जानना चाहते हैं कि सिंधु सभ्यता की जब बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल में सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, वेरी गुड, शहरी। अच्छा ये बताएं सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, याद पा रही है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, गेहूं और जौ, वेरी गुड आंसर। यह हमें बताएं कि सिंधु सभ्यता की जब बात करते हैं सिंधु सभ्यता काल के लोग धरती की पूजा करते थे, विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता काल के लोग धरती की पूजा करते थे जिसे विद्वानों ने क्या नाम दिया, जिसे विद्वानों ने क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता का लोग धरती पूजा करते थे जिसे विद्वानों ने क्या नाम दिया, मातृदेवी, इसका सही आंसर है। और हम डेली 10 मिनट आपसे पूछताछ करेंगे शुरू से लेकर और जहां तक हम पढ़ा रहे हैं, और आज की मुलाकात बस इसने, जय हिंद।